हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। मैं हूँ शहबर। आज का मेरा जो वीडियो है वो है ट्रैवलिंग पैकिंग के ऊपर है, क्योंकि हम लोग ट्रैवल के लिए जा रहे हैं बाहर। बाहर मीन्स इंडिया में ही दिल्ली जा रही हूँ, दिल्ली से आगरा जाऊँगी। इससे पहले मैंने आगरा देखा नहीं है और मेरे बच्चे की भी डिमांड थी कि मैं आगरा और चार मीनार वगैरह में देखूँ। तो हम लोग सब जा रहे हैं 5 डेज के लिए, क्योंकि अभी वो दिवाली की छुट्टियाँ लग गई हैं। तो हम लोग वहीं 5 डेज यहीं रहेंगे। 26 से इसका स्कूल स्टार्ट हो जाएगा, तो 21 में हम लोग पहुँच जाएंगे। तो फिर जितना भी अनपैक करना है, सारे घर को फिर से क्लीनिंग करना पड़ जाता है, तो सारी चीज़ें मैं आने से बात करूँगी। तो छुट्टियाँ रहेंगी तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो इसी हिसाब से हम लोगों ने प्लानिंग किया था। ये 2 महीने पहले से हमारा रिजर्वेशन था, क्योंकि आज का रिजर्वेशन तो मिलता ही नहीं है बिल्कुल, जितना भी आप चाहिए। तो 2 महीने पहले हम लोगों ने रिजर्वेशन कराया था, अभी भी कंफर्म नहीं है। तो कंफर्म नहीं होने से थोड़ा डर भी रहता है, सीट नहीं मिलेगा तो बहुत ही परेशानी हो जाती है। और एक बार प्लानिंग हो जाता तो कैंसिल करने में भी अच्छा नहीं लगता है। खैर, ये तो हो गई ट्रैवलिंग के बारे में। मैं आज आपको दिखाऊंगी कि मैं जब ट्रैवल करने जाती हूँ तो मैं पैकिंग किस तरह करती हूँ, जो मुझे रास्ते में कभी कोई परेशानी ना हो, मैं आराम से मुझे हर चीज़ जगह पे मिल जाए। तो मैं किस तरह पैकिंग करती हूँ वो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। होप यू गाइस आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, जिससे मुझे लगेगा कि मुझे, और मुझे ये भी बताइए कि मुझे क्या इम्प्रूव करना है अपनी वीडियोस में, जो कमी है उसे मैं ठीक कर सकूं। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स का जवाब देने में। तो चलिए फिर मैं आपको दिखाती हूँ मैं किस तरह पैकिंग करती हूँ। तो इस तरह मैं थोड़ी देर के लिए कपड़े रखने से पहले मैं इसे धूप दिखा लेती हूँ। ये छोटा सा बैग है, उसे भी डाल दिया है धूप के लिए, वह थोड़ा गर्म हो जाएगा। क्योंकि कबर्ड से निकालने के बाद इसमें थोड़े स्मेल आते हैं, जो धूप में रखने के बाद वो निकल जाता है, और कुछ बैक्टीरियाज होंगे तो वो भी निकल जाएंगे, मर जाएंगे। तो बहुत ही अच्छा रहता है आप जब कपड़े रखें उससे पहले थोड़ा धूप दिखा लीजिए। फिर जब मैं अनपैकिंग करूँगी, जब ट्रैवलिंग से वापस आऊँगी, तब भी मैं उसे धूप दिखा के ही रखती हूँ। तो इस तरह गाइस, इस तरह मैं पहले धूप दिखा लेती हूँ। तो आप देख सकती हैं कि मैं सामान को ऑर्गेनाइज करने के लिए, जैसे मेडिसिन्स हो गए या फिर अंडर गारमेंट्स हो गए, उसको स्टोर करने के लिए मैं इस तरह का बैग लेती हूँ। ये सबसे छोटा बैग है, उसके बाद ये इससे बड़ा है, और ये इसके बाद ये सबसे बड़ा है, 4 पीस है। तो चलिए मैं दिखाऊंगी कि मैं किस तरह इसमें सामान एड्रेस करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं जब भी बाहर जाती हूँ तो सबसे पहले मैं एक्स्ट्रा कैरी बैग लेके जाती हूँ, क्योंकि कभी भी गंदे कपड़े निकलते हैं बच्चों के या अपने, तो मैं इसमें डाल के रख सकूँ। इसके लिए मैं इसको नीचे फैला दूंगी पूरी अच्छे से चारों तरफ। उसके बाद सबसे पहले मैं जेंट्स के कपड़े सीधे सीधे डाल दूंगी। जितना कम फोल्ड होगा जगह, उतना ज़्यादा आपको मिलेगा कपड़े रखने का। मैं कम फोल्ड करके ऐसे फैला के रख देती हूँ। मैं पूरे पहले जेंट्स के कपड़े लगा दूंगी। उसके बाद आने की टिकट मैं अंदर ही नीचे ही डाल देती हूँ, ताकि मुझे दोनों जाने और आने की टिकट मिक्सअप ना हो, इसीलिए मैं इस तरह इसे नीचे रख देती हूँ। उसके बाद मैं एक और कैरी बैग डाल दूंगी। उसके बाद मैं अपने खुद के कपड़े तय कर लूंगी, डाल दूंगी इसमें।
एक गाउन में जरूर ले जाती हूँ, साथ में कहीं पे भी जरूरत पड़े तो पहन सकूँ। और एक टॉप रहेगा तो लेगिंग, किसी पे भी बहुत सारी लेगिंग ले लेती हूँ, किसी पे भी चल जाएगा ऐसा। उसके बाद एक लेयर और डाल दूंगी छोटे बच्चों के कपड़े। इस तरह मेरा सारा बैग पैक हो गया। अब इसके अंदर मैं अपना मेकअप का जो भी सामान होता है, जैसे मिरर हो गया, कॉम्ब हो गई, वैसलीन हो गया, मैं अपने इसको मैं इस तरह ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। इस तरह मैं सिंगल में ऑर्गेनाइज कर देती हूँ ताकि एक दूसरे से सब मैशअप ना हो जाए। और इस तरह के डब्बे मैं यूज़ करती हूँ। और जितने भी मैं रोज़ वाटर मैं पूरा नहीं ले जाती हूँ, थोड़ा छोटे से मैं बॉटल में ले लेती हूँ, क्योंकि 4-5 दिन के लिए इतना सफिशियंट रहता है। और मैं कुछ एक्स्ट्रा रबर बैंड क्लिप वगैरह रख लेती हूँ, तो ये मेरा मेकअप का बॉक्स हो जाता है। ये सारे मेडिसिन्स हैं, सारे मेडिसिन्स मैं रख लेती हूँ। बच्चे की मेडिसिन्स वॉमिटिंग के हो गए, और ये पैरासीटामोल हो गया, और हैंडी प्लस हो गया, ये सब मैं रख लेती हूँ। रास्ते में कभी भी ज़रूरत पड़ सकता है, जैसे ये हो गया थर्मामीटर, इस तरह मैं एक दवा का अरेंजमेंट इस तरह करती हूँ। ये भी मेडिसिन का बॉक्स है, मैं इस तरह रख लेती हूँ। ये अंडरगारमेंट्स बॉक्स है, ये मेरी मेरी अंडरगारमेंट्स बॉक्स है, तो मैं इस तरह इसको रख लेती हूँ बैग को। और ये इसमें मैं अपने हस्बैंड के अंडरगारमेंट्स जो रहते हैं, हम हस्बैंड के अंडर शर्ट्स पहनते हैं, वो सब हैंकी सॉक्स सभी को मैं इस तरह पैक करके रख लेती हूँ। और मैं छोटे बच्चे के भी जितने भी शर्ट के अंदर पहनने वाले कपड़े होते हैं, छोटे बच्चे के, दोनों मेरे दोनों बेटों के, मैं इस तरह अरेंज करके इसे भी रख लेती हूँ ताकि मुझे ढूंढने में इजी हो, परेशानी ना हो इस तरह। और मैं एक छोटा टॉवल रखती हूँ जो हमेशा ज़रूरत पड़ते रहता है ट्रैवलिंग के टाइम, तो ये मैं इस तरह रख लेती हूँ। और मेरे पास जो एक बैग रहता है उसमें मैं ब्रश छोटा पेस्ट लेती हूँ, ये ब्रश लेती हूँ, टंग क्लीनर, और ये हैंड वॉश, सैनिटाइजर, और इस तरह मैं कार्ड्स वगैरह बच्चों के आई कार्ड्स वगैरह में रख लेती हूँ, और जाने की टिकट्स भी मैं इसी में डाल लेती हूँ। इस तरह मेरा ऑर्गेनाइजेशन रहता है। होप यू गाइस, आप लोग को ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन अच्छा पसंद आया हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।